हेलो, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका आदित्य मैथ्स पे। जैसा कि लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिख लिए थे और एक क्वेश्चंस भी बनाए थे, और वो जो एक क्वेश्चन बनाए थे ना वो जो है एनसीईआरटी का ही था, 2.2 का 5 नंबर। आपको 2.2 एनसीईआरटी में 5 से 10 तक बनाना है और मिसलेनियस का 11 नंबर बनाना है, क्योंकि बस यही 7 क्वेश्चन है। तो 5 तो कल बना ही दिए, वो 5 नंबर था, देख लेना। तो चलो आज हम 6 से स्टार्ट करते हैं, 2.2 का, और आज इनवर्स का लास्ट क्लास होगा। जो भी बचे हैं वो लास्ट तक देखेंगे ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलो बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे 6 में है 10 inverse 1/√x²-1। हम लोगों से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। सबसे पहले बच्चों फॉर्म देखो कौन सा है, क्या वो जो √x²-1 है, तो क्या x²-1 का स्क्वायर लिख सकते हो? तो क्या हम टोटल 4 फॉर्म बनाए थे, थर्ड फॉर्म है ये √x²-a², √x²-a²। तो पुट करने का तरीका क्या था इसमें, पुटिंग x बराबर a कौन है 1, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, या तो sec थीटा या तो cosec थीटा, sec थीटा ही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहीं पे बता दूं थीटा बराबर क्या लिखोगे, सेक इनवर्स एक्स। चलते क्वेश्चन में, 10 inverse 1/√x की जगह सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 inverse 1/ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 square थीटा, 10 square का √10 थीटा, और 1/10 क्या बताए थे बच्चों, cot, तो cot थीटा। अब यहां पे 10 से cot तो कैंसिल होता नहीं है, सेम होगा, तो cot को क्या बनाना होगा, 10। तो अब यहां पे मत सोचने लगना, पाइथागोरस लगा दीजिए, cot ट्रिगोनोमेट्रिक है, इनवर्स नहीं है। तो बताओ जरा तुम लोग, क्या इस cot को 10 π/2 θ लिख सकते हैं, 10 90 θ, cot थीटा ही तो होता है, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, π/2 θ, π/2 θ, थीटा देख लो यहाँ पे sec इनवर्स x है, ये तुम्हारा आंसर हुआ। या थ्योरम 2 से π/2 sec इनवर्स x को लिख सकते हैं cosec इनवर्स x, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो दो जो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना हो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों देखा कि जैसे तुम लोग जब भी खाली फॉर्म पहचानना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन में, ये बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलो हम एक एक करके सब बना ही देते हैं। चलो लिखना 7 नंबर, 7 में है 10 inverse √(1−cos x/1+cos x), नोट कर लेना पॉज करके। इस क्वेश्चन में कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं सोचो। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, कोई √(a²−x²) या √(x²−a²) ऐसा सब कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक का बात करो। तो जरा यहां बताना, क्या किसी का फॉर्मूला उसमें जानते हो? तो बिल्कुल कहोगे यस सर। तो 10 inverse √(1−cos x) का होता है 2 sin² एंगल का आधा x/2, और इसका 2 cos² एंगल का आधा x/2। तो 10 inverse 2 से 2 कैंसिल, sin² / cos² 10² x/2, 10 inverse √ 10x/2, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल x/2, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ समझाना तो है नहीं, फॉर्मूला है लिख लो, पॉज करके नोट कर लो। लिखना 8 नंबर बच्चों, 10 inverse cos x − sin x / cos x प्लस साइन एक्स। यहां पे ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो,
एक तो जो एंगल में दिख रहा है ना बड़ा सा, ये cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, ये tan पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला होता है। या तो ये याद रख लो, या तो चलो मेरा एक सलाह मान लो, उसको फ्यूचर में भी यूटिलाइज करवाएंगे। जब भी tan इनवर्स हो, बड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ना कोई किताब में नहीं मिलेगा ये सीक्रेट चीज। जब भी tan इनवर्स हो, सिंप्लीफाई करने बोले क्वेश्चन में, तो याद रखना यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए। अब कहो के सर ऐसा क्यों, मैं जब भी हम कुछ सीक्रेट बात बताते हैं, कुतर्क वाला नहीं, कुछ तो खास होता है। जरा सोचो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 1 आया, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बोलोगे तो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस 1 आया। अगर 3 tan इनवर्स x का बोलोगे, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस, तो क्या सारे फॉर्मूला में बना रहा है। तो जब अगर 1 tan इनवर्स है, अगर हम यहाँ किसी तरह से 1 बना दे, तो जरूर ये कोई ना कोई थ्योरम पे अप्लाई हो जाएगा बच्चों। ये सोचो तो बहुत बड़ा बात बता रहे, सोचो तो कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये कोई बुक वगैरह मिलेगा नहीं। तो जरा बताओ वहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट है तो नहीं ना। तो cos x को 1 कैसे बनाओगे, cos x से डिवाइड कर दोगे। तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना, या तो डिवाइड या तो कॉमन, कॉमन ही ले लेते हैं। तो ऊपर से भी काम करोगे, cos x है 1 बनाना है, ऊपर से cos x कॉमन ले लेते हैं। तो cos x कॉमन लेंगे तो इसके जगह 1 माइनस साइन एक्स, इसके डिवाइड में कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके पास नहीं था। यहां भी वही काम करोगे, कॉस एक्स तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन बाय कॉस टेन एक्स, 1 प्लस साइन बाय कॉस टेन एक्स। तो यहां फिर टेन इनवर्स, अब जरा ध्यान दो, 1 को क्या 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, 10 45 का वैल्यू 1, इसको रहने दो 10x को, 1 भी रहने दो, क्या 10x के मल्टीप्लाई में, नीचे जो 10x दिख रहा है 10x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है ना। अगर x है तो क्या x के मल्टीप्लाई में 1 है कि नहीं है, है, तो वही बात कह रहे हैं, 1 है तो यानी 10 45 है। तो जरा बताना इसको हम लोग 10 पाई बाय 4 और इनटू में 10x लिख सकते हैं, बिल्कुल 10 45 1, तो 1 माइनस 10x है, 1 प्लस 10 45 1, 1 इनटू 10x है। जरा बताओ ये फॉर्मूला है ना ट्रिगोनोमेट्रिक में, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इनटू tan b, याद करो क्या था, tan a माइनस b, तो पाई बाय 4 माइनस b के जगह कौन है x। तो बच्चों ये सब फालतू का स्टेप मत करना, इससे थोड़ा याद भी रख लेना, ये थोड़ा सा नजर में रख लो कि अगर ये देख लिए ना, समझ जाना tan pi by 4 minus x लिख सकते हैं। बेटा tan से tan inverse x कैंसिल हुआ, pi by 4 minus x, ये तो तुम्हारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या इससे भी और नीचे जा सकते हो, एक बात याद किए, यहाँ भी कुछ पुट नहीं किए, क्यों नहीं किए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ही नहीं, ट्रिगो था। तो सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों दे सकता है, अलजेब्राइक भी और ट्रिगो भी, ट्रिगो रहा तो फार्मूला मदद कर सकता है, और अलजेब्राइक रहेगा तो भी फार्मूला, लेकिन वो स्पेशल वाला चार वो जो लिखाए थे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला तुम देख रहे हो कहाँ कहाँ आ रहा है, अगर वो याद नहीं रहा कुछ भी नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट चलते, लिखना 9 नंबर, tan इनवर्स x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्म पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है तुमको नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चार फॉर्म पढ़ाए थे, पहला फॉर्म तो यही था। तो यहाँ कुछ सोचना नहीं है, बताओ क्या बताए थे, इसमें कुछ बदलने की भी जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, तो जब भी पुट करते हो तो थीटा भी निकाल लिया करो, बोलो ए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड, एक्स बाय ए बराबर साइन थीटा।
साइन इधर ले आओगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, उधर बच गया थीटा। चलते हैं अब यहाँ, टेन इनवर्स एक्स के जगह ए साइन थीटा, एक्स के जगह ए साइन थीटा, एक स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा, नीचे में देखो कॉमन है ए स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर का रूट ए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ाए थे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो कॉस थीटा, ए से ए खत्म हो गया, टेन इनवर्स साइन बाय कॉस टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल थीटा, और थीटा कहीं पे मिला था हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स बाय ए, खत्म। तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम देख पा रहे हो आसान है से, मतलब चार पांच स्टेप तो लग रहा है, लेकिन हाँ अभी फार्मूला याद रहना चाहिए, किसी को ट्रिगो का फार्मूला याद नहीं चला सिंपलेस्ट फॉर्म का सवाल बनाने नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों चलो आगे, दिक्कत होगा तो ग्रुप में पूछना। 10 नंबर, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में वो जो हम सीक्रेट ट्रिक बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, देखना वो कितना ज्यादा मदद करेगा। ऐसे अगर क्वेश्चन को देखोगे तो मन ही नहीं करेगा कि पुट क्या करे, पता ही नहीं चलेगा, तो मतलब बैठे रह जाओगे। लेकिन मेरा वो सीक्रेट ट्रिक देखना यहाँ पे कैसा मदद करता है तुमको। तो वो छोटा सा चीज है, भूलना नहीं, टेन इनवर्स जब भी रहा डिनोमिनेटर में यानी हर में लेफ्ट साइड से क्या रहना चाहिए, वन। तो बोलो यहाँ वन किसको बनाया जाए, ए क्यू को। तो क्या ए क्यू कॉमन लेना होगा, एक खास बात, ऊपर में कुछ भी कॉमन आए तुमको मतलब नहीं है, नीचे जो आ रहा है वही कॉमन लेना है। तो ए क्यू कॉमन है तो हम ऊपर से ए क्यू कॉमन लेंगे। अब मन में आएगा सर ये कौन बेवकूफी भरा बात है, वहां को कहीं दूसरा पार्ट में तो ए दिख भी नहीं रहा, आप ए क्यू निकालने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां नहीं रहता वहां डिवाइड होता है। तो जरा बताओ ए क्यू कॉमन लिए तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, यहां भी डिवाइड कर देंगे, नीचे से तो कॉमन ले ही रहे हैं, तो वन माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर बाय ए क्यू होगा या नहीं होगा, सब आदमी बोलो यस, बोलो ये कट जाएगा, टेन इनवर्स पूरा ध्यान देना शब्द, थ्री दो ए कैंसिल, नीचे एक ए बचा तो एक्स बाय ए बच गया, यहां कोई कैंसिल नहीं, एक्स बाय ए का होल क्यूब कर सकते हैं, वन माइनस यहाँ एक ए कैंसिल, नीचे दो ए बचेगा तो एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, समझ लो यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो एक्स बाय ए होल क्यू था, होल क्यू दे दिए, यहाँ एक ए कैंसिल हुआ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स बाय का होल स्क्वायर लिख दिए। अब जरा देखो कि ये कोई फार्मूला है या नहीं है, टेन इनवर्स थ्री, थोड़ी देर के लिए समझना, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अरे वाह ये तो थ्योरम फाइव में थ्री टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था, थ्री टेन इनवर्स एक्स का, एक्स कौन है एक्स बाय ए, खत्म काम कुछ था ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना मेरा बात को कि ये सीक्रेट ट्रिक जो बताएं तुम लोग को, ये चीज ध्यान रखना है, 99% क्वेश्चन पे बात लागू हो जाता है बच्चों। तो 12th में भी हम दो तीन और सीक्रेट ट्रिक बताया करेंगे, जहां जहां ऐसे सब जगह फंसते हो ना उसके लिए मैं कुछ खास बातें लेके रखता हूँ, जरा उस पर थोड़ा नजर रखना जैसे यहाँ दिखाया। तो इस तरह से हम लोग का 2.2 का सभी क्वेश्चन बन गया, सिंपलेस्ट का 5 का 5। अब चलते हैं मिसलेनियस में, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है 11 नंबर, जरा उसको देख लेते हैं।
तो मिसेलेनियस का 11 नंबर, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। हालांकि प्रूफ करने बोल रहा है कुछ, हम नहीं देखेंगे प्रूफ, बोले हैं कभी कभी मत देखा करो, नहीं तो फिर अपना क्या समझोगे। अब यहाँ पे फॉर्म होगा, क्यों होगा फॉर्म, क्योंकि अलजेब्राइक है, चार फॉर्म पढ़ाए थे, पहला दूसरा तीसरा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि सब पे स्क्वायर था, तो बात ही बहस ही बंद करो। फोर्थ में क्या था जरा याद करो, अंडर रूट ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, ए तो वन है, यहाँ पे देख लो क्या वैसा कुछ दिख रहा है, कहोगे सर नहीं दिख रहा है हमको, कहाँ दिख रहा है, रूट अंडर ए वन प्लस एक्स है और रूट अंडर वन माइनस एक्स है, रूट अंडर वन प्लस एक्स है और रूट प्लस रूट अंडर वन माइनस, आप कैसे दिखा रहे हैं कि अंडर रूट ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स है, कहाँ है देखने की जरूरत है, जरा ध्यान दे, क्या इसको हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो रूट अंडर वन प्लस एक्स तो बोलो वन माइनस ई, इसमें भागा होगा, अलग अलग रूट है, टोटल पे रूट डाल सकते हैं, देखो तो आया कि नहीं आया अंडर रूट ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। तो ये सब चीजें सोचनी है दिमाग में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस वाला ही पूरा काम करके दे दे और हम मजे से खाली बनाते रहे, थोड़ा सा ये चीज दूरदृष्टि रखना है कि आगे भी क्या होगा वो भी समझना है। तो चलो देखते हैं, तो क्या ये फोर्थ फॉर्म पे है, ये तो कंफर्म हो गए, तो फोर्थ फॉर्म में क्या था, एक्स बराबर ए, ए के जगह वन, कॉस टू थीटा पुट करना होता था, तो बोलो यहां से टू थीटा बराबर लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर बोलोगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो क्वेश्चन होगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स के जगह कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा बाय अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू। सभी का फॉर्मूला इसमें से जानते हो, सबका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस टू थीटा को थोड़ी देर पहले लिखे थे टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा को लिखे थे टू कॉस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा को टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स इसको लिखेंगे रूट टू कॉस थीटा रूट टू साइन थीटा बाय रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा, टेन इनवर्स रूट टू ऊपर से कॉमन रूट टू नीचे से कॉमन दोनों कैंसिल, बात समझ में आ रही है, ऊपर से रूट टू कॉमन है नीचे से भी रूट टू कॉमन है, कैंसिल कर सकते हो ना। अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे, अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अभी थोड़ी देर पहले कितना नंबर बताए थे, वो था बच्चों 8 नंबर 2.2 का, क्या सेम क्वेश्चन था या नहीं था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मीन्स क्या बोले थे, किसका फॉर्मूला है टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा का, टेन से टेन खत्म, पाई बाय फोर माइनस थीटा, पाई बाय फोर माइनस थीटा आया था हाफ कॉस इनवर्स एक्स, रास्ते में बेटा यहाँ पे यही तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। हाँ जरा इसको हम छोटा कर सकते हैं, तुरंत मेरे दिमाग में आया, क्या हाफ कॉमन लेंगे क्या होगा, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स हाफ, अब पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो क्या इससे तो आसान ये है ना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही लिखो, दोनों लिख सकते हो और प्रूफ में ये दिया है तुमको, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, कहीं एग्जाम में ये दे देगा तो थोड़ी सोचने लगोगे कुछ और होगा, आराम, ये सब चीजें जानना है कौन चार स्टेप का सवाल है। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म मैं शुरू में ही बताया था, बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मूला सिर्फ याद रखो। तो इस तरह से हम लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच्चों खत्म हो गया, टोटल आई थिंक 8 स्लाइड्स हो गया है ना, 8 स्लाइड्स हो गया, तो
इस तरह से हम लोगों का इनवर्स तो खत्म हो ही गया। अब कल गैप लेंगे, मतलब कल आप लोग क्या करोगे, पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बनाओगे, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा टेलीग्राम पे डाल दोगे, हम टेलीग्राम पे उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इधर से तो वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा हो ही गया सारा क्वेश्चन आप लोग का। उसके बाद फिर परसों देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर सबके पास एनसीईआरटी बुक हो तो डिटरमिनांट एक्सरसाइज निकाल लेना, केसीसी ना हो तो केसीसी ना ही पढ़ना है खुद से। नहीं समझोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो समझाएंगे ना, तुम लोग उसको पढ़ के थोड़ा समझोगे, क्योंकि कल भी गैप है, परसों फिर हम क्लास लेंगे तो 48 आवर्स का डिफरेंस है अभी, तो तब तक तुम लोग कर सकते हो, है ना। तो और शेयर वगैरह करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके बाय।